5 साल के बच्चे को शाकुशल अपहरणकर्ताओं के चुंगल से बचा लिया। 5 साल के बच्चे को सोराव इलाके से बदमाशों ने अपहरण कर लिया था और बदमाशों ने 15 लाख की फिरौती भी मांगी थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को शाकुशल बरामद कर लिया और 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। बच्चा पुलिस को देखकर एसएसपी से चिपक गया। वहीं एसएसपी ने भी बच्चे को गले लगाकर उसको प्यार किया। बच्चे के मुताबिक उसको झूला झुलाने के बहाने से ले गई थी और उसे नशे की गोली देकर उसे बेहोश कर दिया गया था। 5 साल का बच्चा सुधांशु अपने घर के पास खेल रहा था, तभी बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। बदमाश बच्चों को झूला झुलाने के बहाने ले गए थे और वहां सुनसान इलाके में उसको दवा देकर बेहोश कर दिया गया। बदमाशों ने इस परिवार से 15 लाख की फिरौती भी मांगी, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को दूसरे दिन शाकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया है। बच्चा पुलिस को देखकर उनके पास आ गया और एसएसपी ने भी इस बच्चे को गले लगाकर प्यार किया। बच्चा अपने घर वालों से मिलकर काफी खुश है। कल यानी कि 2 अक्टूबर के दिन सायंकाल में थाना सोराव क्षेत्र में एक बच्चा, उसका नाम सुधांशु पुत्र लालचंद सरोज, ये ग्राम पड़ रैया थाना सोराव, ये छोटा बच्चा है लगभग 5 वर्ष का। इसको किसी अज्ञात लोगों द्वारा इसको अपहरण कर लिया गया था और पुलिस चुस्ती दिखाते हुए उसको बरामद करने में सक्षम हुआ। हमारे जनपद इलाहाबाद के क्राइम ब्रांच एवं अन्य फोर्स ने उसको बरामद कर दिया। बच्चा आपके सामने अभी आया था। ये लगभग 15-16 घंटा में जो ये बरामदगी हुई है, ये वास्तविक सराहनीय है। और वो 15 लाख रुपया का उसने फिरौती भी मांग कर ली थी और बच्चे को किसी नशीला दवाई देकर वो अपना ले लिया था। उसने खुद भी इस बात को स्वीकार किया है और ये बच्चा अभी सकुशल बरामद होकर अपना परिवार के पास वापस हो गया है। इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, श्री रमेश कुमार गौतम, ये थाना सोराव के रहने वाले हैं, और रज्जन गौतम, ये नवाबगंज के रहने वाले हैं। रंजिश की बात तो नहीं है, लेकिन फिरौती की बात इसमें आई है और फिरौती के लिए उसने पैसा के लिए करने की बात इसने स्वीकारा है। 15 लाख रुपया चिट लिख के मांग उसने किया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब